सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। सालेकसा नगर पंचायत के खिलाफ अनशन की चेतावनी। गोंदिया नगर पंचायत के गैर जिम्मेदार काम से नागरिकों को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नागरिक में नगर पंचायत के विरोध में तीव्र रोष व्याप्त है। नगर पंचायत में शुरू अनियमित कामकाज को सुधारने के लिए नगर विकास आघाड़ी के आमरण अनशन सहित मोर्चा निकालने की चेतावनी का ज्ञाप मुख्य अधिकारी के माध्यम से जिलाधीश को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम 1977 के तहत राज्य का वर्ग नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र में राज्य रोजगार गारंटी योजना अमल में लोगों का निर्णय लिया गया था, लेकिन नगर पंचायत सालेकसा के पदाधिकारियों के गैर जिम्मेदार काम से अब तक काम का नियोजन व मांग प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें परिसर की जनता को रोजगार गारंटी योजना के काम से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नगर विकास आघाड़ी के मुख्याधिकारी के माध्यम से जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंप कर तत्काल जांच की मांग की है। इस मई तक कार्रवाई नहीं की गई तो मोर्चा निकाल कर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। इस समस्याओं से नागरिक है त्रस्त। 8 अगस्त 2018 से आमगांव खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र का समावेश सालेकसा नगर पंचायत में होने से इस क्षेत्र की सीमा बढ़ गई है। नए विकास कार्य का प्रारूप अब तक तैयार नहीं किया गया है। आमगांव खुर्द क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पथदीप कई माह से बंद है, जिसे दुरुस्त नहीं किया जाता। घन कचरे का योग्य नियोजन नहीं किया जाता। गाँव के मार्गों की हालत दयनीय है। जगह उपलब्ध होने के बावजूद मार्ग पर साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाता है, जिससे यातायात की समस्या निर्माण होती है। इस तरह के अनियमित कामकाज नगर पंचायत में चल रहे हैं, इससे नागरिक त्रस्त हो गए हैं। नगर विकास आघाड़ी के इस तरह समस्याओं की मांग को लेकर लोगों ने अनशन की मांग की है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।